महाराष्ट्र के 6 जिलों में आज और 3 जिलों में कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। गुजरात के तापी नदी पर 118 करोड़ की लागत से बने पुल का हुआ था उद्घाटन। 40 दिनों के बाद ही आई दरार, उठ रहे हैं काफी सवाल। 6 दिन बाद समुद्र से निकाला गया टाइटन पनडुब्बी का मलबा। मलबा मिलने के बाद अब मारे गए अवशेषों की हो रही है तलाश। महाराष्ट्र में 600 गाड़ियों के काफिले के साथ केसीआर की एंट्री पर भड़के शरद पवार, बोले ताकत दिखाने का यह प्रयास चिंताजनक है। शिमला में नहीं, बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी की बड़ी बेचैनी। सऊदी अरब में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सामने हुई फायरिंग, 2 की मौत। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया में गौरव दिलाने का काम किया, लखीसराय में बोले अमित शाह। चंद्रशेखर आजाद ने हमले को लेकर योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान दोनों ही खतरे में। मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस ने पहले ही दिन बनाया नया रिकॉर्ड, करीब आधे घंटे पहले पूरा किया सफर। मणिपुर 2 महीने से हिंसा में झुलस रहा, ना सरकार नाम की चीज है ना कानून का शासन, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान।